और वो लड़की चंद्रा जो है उधर से झुंझलाने लगी। ए उद्धव सुनिए, तो चंद्रा बोली धीरे गलिए, कागज कुछ काम न करते, वो जीवन के सूखे पड़े भय पत्तों से दुआन भरते। उनको ये ना कुछ कागज का टुकड़ा क्या देर बनाएगा। चंद्रा बोली उदो, अगर एक बार श्याम हम लोगों के सामने आ जाए तो मंचा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली बनाएगा। उधो तुम बोरे बने जो पाती को लेके पास में आए, तुम्हें नहीं मालूम उधो ये बोई जगह कन्हैया अगर मथुरा में जाकर के राजा बन गए तो सब पुरानी बातें भूली गए। तो उधो बोले बहना तुम तो नाराज हो गई, अरे मेरा मतलब ये थोड़ी है तुम्हारा दिल दुखाना, हमें तो कन्हैया ने तुम्हारे पास भेजा है और तुम्हें समझाने के लिए हम आए हैं, इसलिए हमारी भी तो कुछ सुनो। जिन्हें तुम बच्चा समझती नहीं हो, बालक समझती नहीं हो, वो इंसान नहीं भगवान, और तुम्हारी किस्मत है जो कन्हैया तुम्हारे पीछे नाच नाचे। तो ललिता बोली उदा इधर आ, हमारी भी सुन लो, भगवान है राजा बने गए मथुरा में पहुंच गए, सब पुरानी बातें भूल गए उदो, ये बही वृंदावन है और बही जगह है जहां तुम खड़े हो, जहां थोड़ी सी माखन के पीछे नाच नाचे से आ, और बही है राधा है, भूल गए सब पुरानी बातें। और वो ललिता उदो से बोली उदो सुनिए, इस परमतिया गिन राधा से रिश्ता तोड़ दिया। उत्तर दिया है वो तो।